असेंबल कर दिया है। तीन पार्ट्स में मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है और थोड़ा थोड़ा पानी डाला है। टोटल इसमें आधा लीटर पानी डालना है। अगर आप ऊपर भी डालेंगे तो ऐसा ऐसा नीचे जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डाल कर रखने से नीचे की मटकी सूखती नहीं है, इसलिए पानी को डिवाइड करके तीनों पोर्शंस में हमको डालना है। और जो मटकी भी रखनी है आपको वो तीनों पोर्शंस में रखनी है। फिर इस तरह से लीड को अच्छे से बंद कर देना। इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से मटकी हमारी तैयार होती है। ये देखिए, जब ये आ जाएंगी तब मैं किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, कल या परसों। रात में से ही देखिए इसमें से अखुए निकलने शुरू हो गए। ये देखिए, ये बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। तो आप भी इस तरह से घर पे एक छोटा सा स्प्राउट में कर लेकर आप बना सकते हैं। एक शेल्फ में मटर, एक शेल्फ में चने और एक शेल्फ में मटकी रखकर भी आप बना सकते हैं डेली डाइट में यूज़ करने के लिए। और ये देखिए मेरे प्याज की पत्तियाँ कितनी बड़ी हो गई हैं दो दिन में। इस तरह से बंद करके रखिए, नीचे का जो पानी है उसका मॉइस्चर लॉक हो जाता है और फिर ये उगते हैं बड़े बड़े। इंशाल्लाह कल के वीडियो में भी मैं आगे का पार्ट शेयर करूँगी। ये देखिए, जो स्प्राउट के बारे में मैंने बताई थी आपको कल, वो बताना भूल गए इसलिए डबल से शूट करे। ये देखिए स्प्राउट जो मैंने कल बनने के लिए रखे थे वो कितनी अच्छी तरह से बनना शुरू हो गए। अगर आपको लगे कि थोड़े सूखे हैं, बारिश के दिनों में तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं इन दिनों में या गर्मियों में आप रखते हैं तो फिर एक एक शेल्फ खोल कर देखिए, थोड़ा सा ऐसा सूखा लगे तो हाथ से थोड़ा सा पानी ऐसे छिड़क लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से